हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से लेकर जम्मू कश्मीर के गांदरबल तक बादल फटने की खबरें मिल रही हैं। लेकिन बादल फटने का मतलब क्या होता है, हम आपको ये समझाते हैं। आम भाषा में इसका मतलब ये है कि जब इतनी तेज बारिश हो कि कुछ ही देर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएं, तो उसे बादल फटना कहते हैं। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक जब 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में एक घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाए तो ऐसी स्थिति को बादल फटना कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब 2000 हेक्टेयर एरिया में एक घंटे तक 100 मिलीलीटर बारिश होती है तो वहां 200 करोड़ लीटर पानी बरस जाता है, तो कहते हैं कि यहां पर बादल फटा है। बादल फटने की घटना आमतौर पर समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है। वैसे बादल को फटने से रोकने के कोई ठोस उपाय नहीं है, लेकिन पानी की सही निकासी, मकान को दुरुस्त बनावट से ज्यादा तबाही रोकी जा सकती है। इसके अलावा प्रकृति से सामंजस्य बनाकर रहने से भी नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। आमतौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं देखी जाती हैं। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाओं की एक साइंटिफिक वजह भी है। अर्थ साइंस रिव्यूज की स्टडी बताती है कि 30 बड़े बादल फटने की घटनाओं में से 19 घटनाएं सिर्फ उत्तराखंड में हुई हैं। आसमान से बरसने वाली आफत सिर्फ पानी के रूप में ही नहीं, बिजली बनकर भी बरस रही है। हम आपको दिखाते हैं कि देश के किस हिस्से में कौन कौन सी आफत आई है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो बादल वहां फटा है, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी बादल फटा है, उत्तराखंड में भी कई जिलों में जबरदस्त बारिश इस समय हो रही है और इसकी वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइड्स हुई है। राजस्थान में आसमानी बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बिजली गिरने से कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से तबाही मची हुई है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां भी बारिश ने लोगों को अच्छा खासा परेशान कर दिया है। मुंबई में कई इलाकों में सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया है। लेकिन राजस्थान के आमेर में जो कुछ हुआ, जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उसे देखकर दिल दहल गया। ये ठीक उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आमेर के आसमान से मौत बनकर बिजली बरसी। आमेर के इस किले में रविवार के दिन कई लोग वॉच टावर पर सेल्फी ले रहे थे, लेकिन अचानक यहां बिजली गिरी जिससे इन लोगों की मौत हो गई। मौत ने यहां एक बार नहीं, दो दो बार दस्तक दी। पहली बार बिजली गिरने के कुछ ही मिनटों के बाद यहां दोबारा बिजली गिरी जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। आप देख सकते हैं कि जयपुर के प्राचीन और ऐतिहासिक आमेर किले के ठीक सामने ये वो जगह है जहां पर वो हादसा पेश आया। सड़क के दूसरी पार अगर देखें तो आमेर का किला, और उस वक्त जब यहां पर बिजली गिरी, आसमानी आफत गिरी, तो तकरीबन एक दर्जन लोग इस जगह पर मौजूद थे। बिजली की भयावहता को ऐसे समझा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि अनगिनत पक्षियों के शव यहां पर देखे जा सकते हैं जो बुरी तरह से झुलते हुए हैं। इसके अलावा लोगों में जब भगदड़ मची तो किसी की चप्पल, किसी का जूता, किसी का मास्क तो किसी का चश्मा, सब कुछ यहीं रह गया। लोग यहां से भागे और उसके बाद वो दूसरी तरफ जो एक और वॉच टावर है वहां तक पहुंचे। लेकिन 30 मिनट बाद एक बार फिर बिजली गिरी और उसके बाद उस वॉच टावर तक गए लोग भी उस आसमानी बिजली का शिकार हो गए। इस जगह की ऊंचाई को अगर समझना है तो हमें देखना होगा कि इर्द गिर्द बसी हुई कॉलोनी जो काफी नीचे तक दिखाई देती है, तकरीबन 1200 से 1500 सीढ़ियां जो कि खड़ी चढ़ाई के रूप में है, उन्हें चढ़कर यहां पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा सड़क से तकरीबन 2000 फीट इसकी ऊंचाई है। ड्रोन के जरिए भी SDRF की टीम इस वक्त ये तलाश रही है कि कहीं कोई घायल या कोई शव इन पहाड़ियों के बीच में हो, क्योंकि जिस वक्त बिजली गिरी उसके बाद यहां पर से कुछ लोग नीचे की तरफ खाई में गिर गए, जबकि दूसरी तरफ भी गहरी खाई है। आमेर में हुई इस दर्दनाक घटना की खबर कल जैसे ही फैली, कुछ ही देर में यहां रेस्क्यू का काम शुरू हो गया। SDRF की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन शाम होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई। जहां पर यह घटना हुई वो जगह इतनी ऊंचाई पर है कि वहां तुरंत पहुंचना और दिन ढलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना इतना आसान भी नहीं था। पहुंचने के रास्ते की बात है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सकड़ी सीढ़ियों के जरिए इस ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। बहुत ही ऊंचाई वाली ये सीढ़ियां हैं, पुराना बना हुआ ये पूरा का पूरा निर्माण है
और SDRF की टीमें इस वक्त भी यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी हुई हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोई घायल या कोई इस प्रकार की कोई चीज़ तो यहाँ नहीं है। ये तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताएं, आप कब से ये ऑपरेशन चलाएगा? हमारा कल शाम से 7 बजे से ऑपरेशन चल रहा है। तो ये बताएं, कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया? कल हमने 16 जनों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और उनको हॉस्पिटलाइज किया है। राजस्थान में कल सिर्फ आमेर के किले पर ही मौत नहीं बरसी, धौलपुर जिले में भी बिजली गिरी, जिसकी वजह से जंगल में बकरी चराने गए 3 बच्चों की मौत हो गई। राजस्थान में आसमानी बिजली गिरने से जान गंवाने वाले परिवार को गहलोत सरकार 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। पिछले करीब 24 घंटे में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी बिजली गिरने की कई खबरें आई हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बिजली गिरने से अलग अलग इलाकों में 7 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से भी ऐसी ही खबर आई, जहां बिजली गिरने से 2 बच्चे और 1 बच्ची की मौत हो गई। यूपी में बिजली की चपेट में आए करीब 30 लोग अपनी जान गंवा बैठे, तो MP में 7 लोगों की जान चली गई। बारिश ने आज मुंबई के लोगों की भी आफत बढ़ा दी। मुंबई के तमाम इलाकों में आज जोरदार बारिश हुई। और देखिए, ये हिंदमाता का इलाका जहां पर पिछले 1 घंटे से जारी लगातार बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आगे रास्तों को आप देखेंगे कि जो आम जनजीवन में निकलते थे, अब देखिए घुटने भर पानी में चलने को मजबूर, क्योंकि बारिश हुई है तो आसपास के इलाके में पूरा पानी भरा हुआ है और जल भराव के बीच में गाड़ियां फंस रही हैं, गाड़ियों को ढकेलते हुए लोग, स्कूटियां फंस जा रही हैं, जो छोटी गाड़ियां गुजर रही हैं उनको ढकेलते, और इसके बाद BMC के कर्मचारी आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पर जो पानी निकालने के लिए संकरे जो नाले होते हैं उनको खोलते हुए और वहाँ पर खड़े होकर BMC के कर्मचारी पानी निकालने की कोशिश करते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में मॉनसून कब जोरदार तरीके से दस्तक देगा, इसे लेकर मौसम विभाग अभी भी कुछ साफ साफ नहीं बता रहा। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी मॉनिटरिंग की जा रही है। दिल्ली और हरियाणा का कुछ हिस्सा में थोड़ा अनामली आया है, मतलब वो जैसे हम बोले थे वैसे बारिश नहीं हुआ है। ये जो एरिया है, दिल्ली है या हरियाणा का कुछ एरिया है, वो अभी मॉनिटरिंग में है, इसलिए क्योंकि कंडीशन जो रिमेनिंग है, जैसे ह्यूमिडिटी है, पूर्व या विंड है, वो परसिस्ट है। और क्लाउड पिक्चर भी देखा रहा है आप, देखिए जो एरिया हम कवर किया, बारिश हुआ और क्लाउड भी है, लेकिन ये जो छोटा एरिया है इसमें नहीं हो रहा है बारिश। ABP News, आपको रखे आगे।